अभी हम बनाएंगे चिकन रोगन जोश बिरयानी। इसके लिए हमने दाल में डालना है 1 कप पानी, ये 1 कप पानी, और इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके ऊपर इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच लाल मिर्च, ये लाल मिर्च 3 चम्मच इसके अंदर, और इसके अंदर डालेंगे हम ये गरम मसाला 2 चम्मच, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी और 2 छोटे चम्मच नमक। नमक इसके अंदर डाल देंगे ये 2 छोटे चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे हम, इस तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन रोगन जोश बिरयानी के लिए। अब कढ़ाई में डालेंगे हम 2 चम्मच घी, ये घी डाल लेंगे कढ़ाई के अंदर, ये बची हुई घी भी डाल लेंगे कढ़ाई में। घी को हम गरम कर लेंगे पहले, और ये घी हमारा गरम हो चुका है। अब इस घी में डालेंगे हम ये 400 ग्राम चिकन, ओके 400 ग्राम चिकन घी में डाल लेंगे। इसको पहले फ्राई करेंगे हम घी में चिकन को, इस तरह से फैला देंगे चिकन को, और ये जो चिकन है हमारा बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो कुछ बोन चिकन भी ले सकते हैं। और एक साइड से 4 मिनट तक हमने चिकन को पकाया, चिकन को पलट लेंगे दूसरे साइड, ये दूसरे साइड चिकन को इस तरह से पलट लेंगे, दूसरे साइड भी पलट लेंगे इस तरह से चिकन को, ताकि दूसरे साइड से पक जाए। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ढक्कन, ताकि चिकन जो है अंदर से पक जाए, और ये 5 मिनट बाद फिर से हम ढक्कन हटा देंगे इसका और पलट लेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह से गोल्डन होने लगा है, यानी कि चिकन फ्राई हो चुका है, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो मसाला हमने तैयार किया था पानी में घोल के, वो मसाला हम डाल देंगे इसके ऊपर, ये मसाला इसके ऊपर, और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है वो सूख जाए और मसाला बाहर आ जाए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। ये देखिए चिकन रोगन जोश बिरयानी के लिए ये हमारा मसाला पूरी तरह से लाल लाल रेडिश तैयार हो चुका है, पानी भी इसका सूख चुका है, और ये चिकन हमारा पक चुका है। चिकन हमने आधा पहले 5 मिनट तक फ्राई कर लिया था, उसमें पक गया, बाकी का मसाले के साथ पानी के साथ पका लिया हमने। अब इसमें से हम और 2 मिनट तक पानी कम करेंगे, इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, और ये 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे। पूरी तरह से चिकन रोगन जोश बिरयानी के लिए रेड ग्रेवी तैयार है, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे काफ़ी सारा ये धनिया का पत्ता और काफ़ी सारा पुदीना का पत्ता, और इसके ऊपर डालेंगे हम ये 250 ग्राम राइस, बासमती राइस, इसको हमने बॉयल करके रखा हुआ था, बॉयल राइस इसके ऊपर डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये इस तरह से मिक्स कर लेंगे राइस को, और अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे।
ताकि जो राइस है हमारा उसमें पूरी तरह से मसाला मिक्स हो जाए और चिकन का फ्लेवर भी मिक्स हो जाए। और ये 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इस तरह से। और ये तैयार है हमारा चिकन रोगन जोश बिरयानी।